दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टेलीग्राम कैसे चालू करते हैं, टेलीग्राम को कैसे यूज करते हैं। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल ही आसान सा तरीका बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है टेलीग्राम। तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम ऐप दिखाई देगा, तो आपको टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको टेलीग्राम ऐप को ओपन करना है। टेलीग्राम ऐप को ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपको नीचे स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। परमिशन को अलाउ करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और कंट्री भी ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं सेलेक्ट होता है तो यहाँ पर आपको कंट्री पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना कंट्री जो कि सर्च करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया, उसके बाद आपको कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया तो है। मुझे तो दूसरे मुझे नंबर दूसरे से नंबर से टेलीग्राम टेलीग्राम अकाउंट अकाउंट बनाना बनाना है, है, तो तो मैं मैं उस उस नंबर नंबर को को यहाँ यहाँ पे पे ऐड ऐड कर कर देता देता हूँ। हूँ। आपको आपको भी भी जिस जिस नंबर नंबर से से आपको आपको टेलीग्राम टेलीग्राम अकाउंट अकाउंट बनाना बनाना है, है, उस उस नंबर नंबर को को यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको ऐड ऐड कर कर देना देना है। है। नंबर नंबर को को ऐड ऐड करने करने के के बाद बाद आपको आपको यहाँ यहाँ पे पे इस इस एरो एरो पे पे क्लिक क्लिक करना करना है। है। एरो एरो पे पे क्लिक क्लिक करने करने के के बाद बाद यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको कंटिन्यू कंटिन्यू कर कर देना देना है। है। यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको परमिशन परमिशन को को अलाउ अलाउ कर कर देना देना है। है। उसके उसके बाद बाद आपके आपके सामने सामने एक एक नया नया इंटरफेस इंटरफेस देखने देखने को को मिल मिल जाएगा। जाएगा। अब अब इस इस नंबर नंबर पर पर टेलीग्राम टेलीग्राम एक एक कॉल कॉल करेगा, करेगा, मिस मिस कॉल कॉल करेगा। करेगा। यहाँ यहाँ पर पर आप आप देख देख सकते सकते हैं हैं टेलीग्राम टेलीग्राम की की तरफ तरफ से से कॉल कॉल आ आ गया गया है, है, तो तो मैं मैं इस इस कॉल कॉल को को रिसीव रिसीव कर कर लेता लेता हूँ। हूँ। मैंने मैंने कॉल कॉल को को यहाँ यहाँ पे पे रिसीव रिसीव कर कर लिया। लिया। रिसीव रिसीव करने करने के के बाद बाद कॉल कॉल यहाँ यहाँ पे पे ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक यहाँ यहाँ पे पे कट कट हो हो जाएगा। जाएगा। यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको कैंसिल कैंसिल कर कर देना देना है। है। उसके उसके बाद बाद आपका आपका जो जो मोबाइल मोबाइल नंबर नंबर है है वो वो टेलीग्राम टेलीग्राम पर पर वेरीफाई वेरीफाई हो हो जाएगा। जाएगा। अगर अगर आपके आपके सिम सिम में में रिचार्ज रिचार्ज नहीं नहीं है है तो तो कॉल कॉल नहीं नहीं आएगा। आएगा। रिचार्ज रिचार्ज है है तो तो मिस मिस कॉल कॉल आएगा। आएगा। जो जो टेलीग्राम टेलीग्राम है है वो वो आपके आपके नंबर नंबर को को ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वेरीफाई वेरीफाई कर कर लेगा। लेगा। जैसे जैसे कि कि दोस्तों दोस्तों मैंने मैंने आपको आपको वीडियो वीडियो में में आपको आपको दिखा दिखा दिया दिया था था कि कि टेलीग्राम टेलीग्राम की की तरफ तरफ से से मुझे मुझे एक एक कॉल कॉल आया आया था, था, तो तो मैंने मैंने कॉल कॉल को को रिसीव रिसीव कर कर लिया। लिया। तो तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जो जो मेरा मेरा मोबाइल मोबाइल नंबर नंबर है है वो वो दोस्तों दोस्तों यहाँ यहाँ पे पे वेरीफाई वेरीफाई हो हो चुका चुका है। है। जैसे जैसे कि कि यहाँ यहाँ पर पर आप आप देख देख सकते सकते हो, हो, अगर अगर आपके आपके मोबाइल मोबाइल में में रिचार्ज रिचार्ज नहीं नहीं है है तो तो आपके आपके मोबाइल मोबाइल के के नीचे नीचे यहाँ यहाँ पे पे टाइमिंग टाइमिंग शो शो करता करता है। है। वो वो टाइमिंग टाइमिंग को को पूरा पूरा खत्म खत्म होने होने देना देना है। है। उसके उसके बाद बाद आपको आपको नीचे नीचे में में एक एक मैसेज मैसेज का का भी भी ऑप्शन ऑप्शन आपको आपको मिल मिल जाएगा। जाएगा। तो तो आप आप कोड कोड भी भी मंगा मंगा सकते सकते हैं। हैं। अगर अगर आपके आपके फोन फोन में में रिचार्ज रिचार्ज नहीं नहीं है है तो तो आप आप कोड कोड के के जरिए जरिए आप आप टेलीग्राम टेलीग्राम को को वेरीफाई वेरीफाई कर कर सकते सकते हो, हो, अपने अपने नंबर नंबर को को वेरीफाई वेरीफाई कर कर सकते सकते हो। हो। उसके उसके बाद बाद इस इस तरीके तरीके का का इंटरफेस इंटरफेस यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको दिखाई दिखाई देगा। देगा। तो तो यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको अपना अपना नेम नेम लिख लिख देना देना है। है। आप आप जिस जिस नेम नेम से से टेलीग्राम टेलीग्राम अकाउंट अकाउंट बनाना बनाना चाहते चाहते हैं, हैं, उस उस नेम नेम को को यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको डाल डाल देना देना है। है। जैसे जैसे कि कि मैं मैं यहाँ यहाँ पे पे नेम नेम यहाँ यहाँ पे पे डाल डाल देता देता हूँ। हूँ। यहाँ यहाँ पर पर आप आप देख देख सकते सकते हो, हो, मैंने मैंने यहाँ यहाँ पे पे नेम नेम यहाँ यहाँ पे पे डाल डाल दिया। दिया। नाम नाम को को डालने डालने के के बाद बाद आपको आपको इस इस एरो एरो पे पे क्लिक क्लिक करना करना है। है। एरो एरो पे पे आप आप जैसे जैसे ही ही क्लिक क्लिक करेंगे, करेंगे, क्लिक क्लिक करने करने के के बाद बाद उसके उसके बाद बाद दोस्तों दोस्तों यहाँ यहाँ पर पर आप आप देख देख सकते सकते हैं हैं में में आपका आपका अकाउंट अकाउंट बन बन जाएगा। जाएगा। जैसे जैसे कि कि यहाँ यहाँ पर पर आप आप देख देख सकते सकते हो हो टेलीग्राम टेलीग्राम में में मेरा मेरा अकाउंट अकाउंट यहाँ यहाँ पे पे बन बन चुका चुका है। है। तो तो यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको कंटिन्यू कंटिन्यू पे पे क्लिक क्लिक करना करना है। है। उसके उसके बाद बाद यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको परमिशन परमिशन को को अलाउ अलाउ कर कर देना देना है। है। उसके उसके बाद बाद आपको आपको कुछ कुछ इस इस तरीके तरीके का का इंटरफेस इंटरफेस यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको टेलीग्राम टेलीग्राम में में दिखाई दिखाई देगा। देगा। अगर अगर आप आप टेलीग्राम टेलीग्राम पर पर किसी किसी को को भी भी मैसेज मैसेज करना करना चाहते चाहते हैं हैं तो तो यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको पेंसिल पेंसिल वाला वाला आइकन आइकन मिलेगा। मिलेगा। तो तो यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको पेंसिल पेंसिल वाले वाले आइकन आइकन पे पे क्लिक क्लिक करना करना है। है। क्लिक क्लिक करने करने के के बाद बाद यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको एक एक प्लस प्लस वाला वाला आइकन आइकन मिलेगा। मिलेगा। तो तो यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको प्लस प्लस वाले वाले आइकन आइकन पे पे क्लिक क्लिक करना करना है। है। उसके उसके बाद बाद दोस्तों दोस्तों यहाँ यहाँ पर पर आप आप देख देख सकते सकते हैं हैं जितने जितने भी भी नंबर नंबर को को अपने अपने सेव सेव रखे रखे होंगे होंगे आपके आपके मोबाइल मोबाइल में, में, अगर अगर उन उन लोगों लोगों का का टेलीग्राम टेलीग्राम अकाउंट अकाउंट बना बना होगा होगा तो तो सभी सभी अकाउंट अकाउंट यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको दिखाई दिखाई देगा। देगा। अगर अगर आप आप किसी किसी से से भी भी चैट चैट करना करना चाहते चाहते हैं हैं तो तो यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको चैट चैट पे पे क्लिक क्लिक करना करना है। है। किसी किसी भी भी एक एक चैट चैट को को ओपन ओपन करना करना है। है। मैसेज मैसेज करना करना चाहते चाहते हैं हैं तो तो यहाँ यहाँ से से आप आप मैसेज मैसेज भी भी कर कर सकते सकते हैं। हैं। अगर अगर आपको आपको फोटो फोटो वीडियो वीडियो सेंड सेंड करना करना है है तो तो यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको एक एक फोटो फोटो वीडियो वीडियो सेंड सेंड करने करने का का आइकन आइकन मिलेगा। मिलेगा तो तो इस इस पे पे आपको आपको क्लिक क्लिक करना करना है। है। उसके उसके बाद बाद आपका आपका गैलरी गैलरी यहाँ यहाँ पर पर ओपन ओपन